हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखें। मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा देश में रहने वाले बेरोजगारों को अपनी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए तथा उनके दैनिक खर्च चलाने के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जाएगा, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का नाम बेरोजगारी भत्ता योजना दिया गया है। मध्य प्रदेश के तमाम योग्य लोग जो इस योजना के लिए पात्र है, वह सभी इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को तब तक आर्थिक सहायता राशि दिया जाएगा जब तक कि उन्हें कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयत्न कर रही है कि और उन लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाया जाए। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए एलिजिबिलिटी, केवल मध्य प्रदेश राज्य के युवा ही इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन करने वाले लोग किसी प्रकार के रोजगार से नहीं जुड़े होने चाहिए। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम को आपको अपनाना होगा। इस योजना के लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सदस्य बनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपना समर्थन दिखा सकते हैं और विशेष सुविधाओं का लाभ अर्जित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के बेनिफिट। योजना का संचालन मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य की तमाम बेरोजगार लोगों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बेरोजगार भत्ता के रूप में 1500 रूपए प्रति महीने सभी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना से जुड़े लोगों को रोजगार का भी अवसर दिया जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच के सभी लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। लोग अपने छोटे छोटे और घरेलू जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई, सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, इसमें आप आवश्यक जानकारी को भरेंगे। इसके बाद आप सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देंगे और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा। ऐसे में आवेदन फॉर्म को आप ध्यान पूर्वक सही सही भरेंगे। आवश्यक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करेंगे। अंत में फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देंगे और अपनी रसीद प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको पल पल की अपडेट वहां पर करवाई जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं की सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। धन्यवाद।